हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कथित रूप से अवैध मस्जिद को लेकर बड़ा बवाल चढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिमला के संजौली में बनी अवैध मस्जिद से जुड़ी कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है और प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अवैध निर्माण को तुरंत हटाने की मांग कर दी। शिमला के चौड़ा मैदान में हिंदू संगठनों के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। संजौली में जहां पर मस्जिद बनी है वहां आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि संजौली में बाजार के ठीक साथ में ये मस्जिद बनाई गई और इसकी दो मंजिले अवैध, ये कहा जा रहा है, हम नहीं कह रहे, ये मीडिया रिपोर्ट्स में कहा है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूँ आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले जिस वजह से ये सारा बखेरा यानी विवाद खड़ा हुआ है इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, मस्जिद के अवैध होने की वजह से इन्हें तोड़ने की मांग की जा रही है। बता दें कि इसी रविवार को यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था और अब मामले ने तूल पकड़ लिया। ऐसे में सरकार ने किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए संजौली में 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस बल की तैनाती कर दी। पूरे इलाके में दोपहर 12 बजे तक सब कुछ शांत था, लेकिन फिर भीड़ जो है एकाएक मौके पर पहुंच जाती है और बवाल काटना शुरू कर देती है। इस बीच हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया कि मस्जिद को अवैध तरीके से बाहरी लोगों ने बनाया और इसे तुरंत हटाया। बता दें कि हाल ही में इसको लेकर विधानसभा में भी विवाद हो गया और सदन के अंदर ही विधायक हरीश और मंत्री अनिरुद्ध सिंह बहस करने लगे थे। सुक्खू सरकार के ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खुद ये दावा किया था कि रोहिंग्या भी वहां पहुंच चुके हैं और कुछ को तो वे जानते भी। जब सुक्खू सरकार के मंत्री सदन में बोल रहे थे तो उस दौरान ही विपक्ष में बैठे तमाम बीजेपी विधायकों ने सीट जो है थपथपाकर उनकी बातों का समर्थन किया। मंत्री ने संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण पर आपत्ति जताते हुए सदन में कार्रवाई की मांग की। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अगर कोई यहां अवैध ढांचा बना लेता है तो उसे तोड़ दिया जाता है, तो फिर लोगों ने बिना मंजूरी के अवैध मस्जिद कैसे बना ली, ये सवाल उठा रहे बीजेपी पक्ष के लोग। अब इस पूरे मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या कहना है ये भी जानें। मस्जिद निर्माण के सवाल पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सभी नागरिक एक समान है, सभी धर्मों का सम्मान है, जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा सरकार उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी। हिमाचल प्रदेश में आने वाला हर नागरिक कानून से बना, इसलिए ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण होना चाहिए अगर कर भी रहे हैं। कानून व्यवस्था को तो तोड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं। आगे भी अगर इससे जुड़े कोई भी विवाद होगा या कोई भी फॉलोअप स्टोरी होगा हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। तो इसी तरह देश और दुनिया और खासकर हिमाचल से जुड़ी तमाम ताजातरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।